ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि परमात्मा से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा से आप प्राप्त कर रहे हैं, सिर के चांद से होकर वह परमात्मा ही शरीर में अमृत पंप करता है, जिससे सभी का जीवन और सांसें चलती हैं। उसकी यह व्यवस्था परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक में व्याप्त है। बच्चों के सिर में जब वे जन्म लेते हैं, यह पंपिंग साफ दिखाई देती है। इसी के कारण शरीर नहीं सड़ता और इसी की कमी से झुर्रियाँ पड़ती है और आदमी बूढ़ा हो जाता है। जब इसकी सप्लाई बंद हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। उसके नियम बने हुए हैं, जो भी नियमों का पालन करता है उसे प्राप्त होता है। यदि प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया या आप उसमें कमज़ोर हैं। उसकी दुनिया में नियमों का शासन है, खेल के नियम बने हुए हैं। जिसने भी उसका मन की गहराइयों से पालन किया तो फिर वो बना है, उसको वह प्राप्त हुआ है जो वह चाहता है। उसके नियमों की उपेक्षा करके कोई एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। इस प्रकृति के अनगिनत जीवों एवं इकाइयों की कामना की पूर्ति उसके इन्हीं नियमों से होती है। अब यह दूसरी बात है कि तितली की कामना फूलों का रस का होता है और गिद्ध की सड़े हुए मांस की कामना की पूर्ति दोनों की होती है। इसलिए प्रश्न ही निरर्थक है कि हम परमात्मा से क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम जो भी प्राप्त करते हैं, जो भी हमें प्राप्त है, यह सब उसी की देन है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।